एपिसोड नंबर 287 287। की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है। चरण पंकज पुर धरहु लंका अचल राजु तुम करहु ऋषि कुल स्ति चसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनी हो कलंका राम नाम बिनु गिरान सोहा देखु बिचारी त्यागी मद मोहा बस नहीं नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित पर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन्ह सरितन नाही परख गए पुनि तब ही सुखाही सुनु दस कंठ कहूं पनरोपी विमुख राम त्राता नहीं होगी शंकर सहस विष्णु अचतो ही सकहिं न राखि राम कर दो मूल बहुसूल प्रद त्यागहुतम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान
गति विवेक विरति नयसानी, बोला बिहति महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र फल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाय। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। ऊंच ही न बानर तह जाई, तब सत निज नाथ ही ले आई। जिन कह कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं दिन के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि तेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहीं चरण करहीं बहुहासी। बाजहीं ढोल देहीं सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परमल गुरूप तुरंता। निपुकी चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभी